नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे एक और बिहार के सियासी गपशप की, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए एक नए अध्याय की। दोनों गठबंधनों में कमोबेश खींचतान अपने चरम पर है। महागठबंधन की मुसीबत बढ़ाने में जहां जीतन राम मांझी आ गए हैं, वहीं एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया अभी चिराग पासवान हैं, वैसे तो ये पार्टी रामविलास पासवान जी की है, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी की कमान अपने पुत्र चिराग पासवान को सौंप दी। अब चिराग पासवान इन दिनों नीतीश कुमार पर बहुत बुरी तरह हमलावर हैं और ये एनडीए के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कई जगह यह भी चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान का अगला राजनीतिक ठिकाना क्या होगा। कई बार यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। एकाध बड़े नेता कांग्रेस के थे जिन्होंने यह भी कह दिया कि उनकी तो बात भी हो रही है रामविलास पासवान से। हालांकि सच क्या है ये तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान जाने या वो नेता जाने जो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो राष्ट्रीय जनता दल में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अनिल कुमार साधु, जी हाँ, रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजाजी, जो इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष हैं और लगातार लोजपा पर हमलावर रहते हैं, विशेष तौर पर वो चिराग पासवान की नीतियों को लेकर लगातार उनकी मुखालफत करते रहते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर चिराग पासवान और रामविलास पासवान की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आती है तो उनके धुर विरोधी माने जाने वाले उनके रिश्तेदार, उनके जीजाजी अनिल कुमार साधु, उनका क्या रुख होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने एक साक्षात्कार में अनिल कुमार साधु ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी UPA के साथ, महागठबंधन के साथ आना चाहेंगे तो वह उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। अनिल कुमार साधु ने कहा कि वो रामविलास पासवान की दिल से इज्जत करते हैं और आज भी उन्हें अपना अभिभावक मानते हैं। उनका विरोध व्यक्तिगत नहीं है, उनका विरोध नीतियों को लेकर के है, वो नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी और RSS दलित विरोधी पार्टी है, ये दलित विरोधी संगठन है, ये बहुजनों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है और रामविलास पासवान वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और RSS की गोद में बैठकर सत्ता का सुख ले रहे हैं और दलितों से जुड़े मुद्दों पर ये लगातार मौन रहते हैं। तो इस वजह से अनिल कुमार साधु कह रहे हैं कि हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन मेरे मन में रामविलास पासवान और चिराग पासवान को लेकर के कोई मनभेद नहीं है। रामविलास पासवान उनके अभिभावक हैं और चिराग पासवान उनके अनुज जैसे हैं। इसके साथ ही अनिल कुमार साधु ने यह याद दिलाया कि पासवान जी के परिवार पर जब जब राजनीतिक विपत्ति आई है तब तब राष्ट्रीय जनता दल और उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव ने दो कदम आगे बढ़कर उनकी मदद की है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी 2009 में जब रामविलास पासवान हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे और वो संसद की सदस्यता से वंचित रह गए थे, तो वैसे दौर में लालू प्रसाद यादव ने उनकी मदद की और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से उन्हें राज्यसभा भिजवाया। साधु पासवान ने यह भी याद दिलाया कि उस दौर में राष्ट्रीय जनता दल भी बेहद कमजोर स्थिति में थी और महज 23 विधायक विधानसभा में उनके थे। इसके बावजूद रामविलास पासवान जी के प्रति सम्मान जताते हुए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा पर भेजा और एक बार फिर पासवान परिवार संकट में है। नीतीश कुमार लगातार पासवान परिवार को उनकी हैसियत बता रहे हैं और किस प्रकार से पासवान परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेला जा सके, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। इसके लिए अनिल कुमार साधु ने कहा कि एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल उनकी मदद को तैयार है, बेशक वो हमारे साथ आए तो हम तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे।